आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय और 18वां श्लोक है। तरवः किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशु गण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिक अधिक काल तक खाने पीने संभोग करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए भौतिकवादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए शुद्धि के लिए मिला है, जिसे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तरवः किं न जीवन्ति, क्या पशु न वृक्ष, तरवः किं न जीवन्ति, क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? जरूर जीते हैं और हमसे भी अधिक लंबी आयु होती है उनकी। हजारों वर्षों से जीवित वृक्ष भी कैलिफोर्निया अमेरिका में वगैरह प्राप्त हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो केवल लंबी आयु ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हरि हरि। भस्त्र किम न स्वसंत्युत, और लोहार की जो धोंकनी है, बहुत सारी हवा सांस और उच्छ्वास चलता रहता है, तो क्या केवल सांस लेते रहना, श्वास उच्छ्वास जो धोंकनी भी करती रहती है, ऐसा करते रहना ही जीवन का लक्ष्य है क्या? कि हम लंबी आयु वाले वृक्षों के साथ कंपटीशन या स्पर्धा करना चाहते हैं, या धोंकनी जैसा अधिकाधिक सांस लेना और छोड़ना उसके साथ हम कंपटीशन करना चाहते हैं क्या? फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। तो वृक्षों की बात की, ढोंकने की बात की, और साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आपके ग्राम में या आपके नगर में कई सारे पशु भी तो है, या फिर पक्षी भी है, या फिर 84 लाख योनियां भी तो है,
क्या वो खाते नहीं है? न खादन्ति न मेहन्ति, क्या वो मैथुन में नहीं लगे रहते? क्या वे वीर्य का स्खलन या नाश, नाश ये तो उनके दिमाग में विचार भी नहीं आता। सारी योनियों में पशु पक्षी इत्यादि व्यस्त रहते हैं, खादन्ति न मेहन्ति, या आहार निद्रा भय मैथुन में। वैसे हम लोग उनके साथ भी कंपटीशन नहीं कर सकते। हाथी कितना खाता है और भी, और भालू कितना सोता है, 6-6 महीने तक सोता है, और कबूतर कितना, दिन में 50 बार उसका मैथुन क्रिया चलती है, 50 times a day। आहार निद्रा भय और डिफेंस के लिए शेर है और भी कई, बाघ है, ये है वो है, बड़ा कुशल रहते हैं मनुष्य की तुलना में। तो क्या केवल खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशवो परे तरवहा, किम न जीवन्ति भस्त्रा, किम न स्वसंत्युता। क्या यही करना है क्या जीवन का लक्ष्य है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, आधुनिक सभ्यता में, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, यही करना लोगों ने जीवन का लक्ष्य बनाया है। और इसी के साथ वे सब चार्वाक के फॉलोअर्स बने हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड, विदेश भी जाने अनजाने वो सब संसार चार्वाक मुनि के फॉलोअर बने हैं। वे शायद गए अमेरिकन, गए वो, हम लोग हिंदू नहीं है इसीलिए हम चार्वाक को नहीं फॉलो करेंगे, आपका चार्वाक आपका है, हिंदू है। किंतु सभी वही कर रहे हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीते हो मौज उड़ाओ, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां, द एंटरटेनमेंट लोगों ने जीवन का लक्ष्य बनाया है। क्योंकि समझ ये भी है कि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। जब इस शरीर की राख होगी तो ये पुनर्जन्म वगैरह किसने देखा है? मतलब आत्मा को ही किसने देखा है? बस हम शरीर है, देहात्म बुद्धि कुण पेत्री धातु के, ये तीन धातु का कफ पित्त वायु का बना हुआ ये शरीर है। देह आत्म बुद्धि, देह ही है आत्मा, माई बॉडी इज माई सेल्फ। और फिर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब एंजॉय दिस बॉडी, इस उपभोग करते जाओ। तो ये जीवन या तो प्रश्न है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है कि एनलाइटनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है कि वैसे आत्मरंजन के लिए है, मतलब एनलाइटनमेंट के लिए है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो शरीर को, शरीर के मनोरंजन के लिए, शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए है कि ये जान कर कि देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये आत्मविज्ञान
को समझकर आत्मज्ञान का साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य जीवन है, ताकि फिर आत्मा का रंजन हो, आत्मा प्रसन्न हो। ययात्मा सु प्रसीदति, भागवत पुनः कहता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सु प्रसीदति। तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ये मनुष्य जीवन है। इंद्रिय तृप्ति या शरीर से प्राप्त होने वाले सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। तो हम विश तो करते रहते हैं, सारा संसार बिजी है पिछले कुछ दिनों से, आज भी कल भी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सारी शुभकामनाएं सर्कुलेट हो रही है एवरीवेयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की जा रही है, लिखी जा रही है, कही जा रही है, या किंतु वे नहीं कह, वे कह तो रहे हैं अपनी समझ के अनुसार, हैप्पी न्यू ईयर, सो कम एंड एंजॉय, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स ड्रिंक, लेट्स एंजॉय मीट। तो दूसरे शब्दों में हमें जानना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर् नराणां धर्मो भी एको अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिर् समाना। मनुष्यों में और पशु पक्षी और सभी योनियों में और मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुन तो सामान्य है, ये शरीर की आवश्यकताएं है, किंतु वह ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और इसका वैशिष्ट्य क्या है? धर्म, धर्मो भी एको अधिको विशेषो, धर्म ही एक एडिशनल बात है, एडिशनल, बाकी बातें तो आहार निद्रा भय मैथुन तो सामान्य हुआ, सो कॉमन, बट एडिशनल क्या है, अलग क्या है? धर्म ही एडिशनल है। जिस धर्म को अन्य योनियों में सोच भी नहीं सकते, वहां उनकी पहुंच भी नहीं है, जिसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, इंस्टिंक्ट, अंदर से उनको कामवश, क्रोधवश, लोभवश, इसके वशीभूत होके बस वे व्यस्त रहते हैं, खाते रहते हैं, इंस्टिंक्ट। तो मनुष्यों को धार्मिक बनना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियस बनना मतलब ही मनुष्य बनते हैं हम, नहीं तो हम या मानव बनते हैं हम, अदरवाइज दानव ही रहते हैं हम। तो हरे कृष्ण डिवोटीज, हरे कृष्ण भक्त, या फिर हमारा धर्म या साधु शास्त्राचार्य, ऑफ कोर्स हम सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और सुखी ही नहीं वैसे आनंदित देखना चाहते हैं। सुख तो, सुख का दूसरा काउंटर पार्ट है द्वंद्व है दुख। वैसे आनंद, आनंद तो आनंद ही होता है, आनंद ही आनंद, गड़े इकड़े तिकड़े चोही कड़े, आनंद का कोई काउंटर पार्ट या द्वंद्व नहीं है। वैसे आत्मा के लिए आनंद, आनंद प्राप्ति ही लक्ष्य है। एते दृक्स्वलीला भीर आनंद कुंडे, तो सुख और दुख, ये दुनिया है सुख दुख का मेला। तो वैसे हमें सुखी होने का प्रयास
प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सो विश यू हैप्पी न्यू ईयर, मतलब विश यू ब्लिसफुल न्यू ईयर। हैप्पी नॉट जस्ट हैप्पी, हैप्पी फिर अनहैप्पी भी होता है, सुखी तो दुखी भी होता है, लेकिन व्यक्ति जब आनंदित होता, आनंद को प्राप्त करता है, जो हमारा स्वरूप में ही आनंद है, सत चित आनंद, वह सुख नहीं कहा है, तुम्हारे स्वरूप में है सत चित और आनंद, तो हमारे स्वरूप को प्राप्त करना है, हमारे आत्मा का हमें साक्षात्कार करना है, और साथ साथ और भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों भी साथ में होते हैं। आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के बिना पूर्ण नहीं होता, और ना तो भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के बिना संभव भी है। तो आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के लिए ये मनुष्य जीवन है, केवल जीते रहो। विश यू ऑल्सो हैप्पी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, वृक्ष भी तो लंबी आयु जीते रहते हैं, बेकार हो लंबी आयु यदि हम कृष्ण कॉन्शियस भगवत या कृष्ण भावना भावित नहीं है तो, क्योंकि ऐसी लंबी आयु तो वृक्ष भी जीते हैं। और या वह जीवित सुखम जीवित, वैसा सुख तो फिर खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे, आपके ही गांव में या नगर में पशु पक्षी भी तो है, वे भी तो खाते हैं और सोते हैं, मैथुन का सुख लूटते हैं, हम ही वैसा ही करें तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या भेद है तुम में और पशु पक्षियों में। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो कैसे कहेंगे? वैसे हम, मैं कहते रहता हूँ, हम केवल वी डू नॉट ओनली विश हैप्पी न्यू ईयर, बट हम बताते कि कैसे हम हैप्पी, या सारा संसार, हमारे इष्ट मित्र या पड़ोसी या कलीग्स, सगे संबंधी है, वे सचमुच कैसे हैप्पी हो सकते हैं, ये हम धीरे धीरे अब समझ रहे हैं साधु शास्त्राचार्यों के संग में आकर, या उनसे ये बातें समझकर हम समझ रहे हैं। यही आत्मा सुप्रसीदति, राइट? अभी सुनाया ये आपको, हम धार्मिक बनेंगे, हम कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित बनेंगे, तो हमारी आत्मा प्रसन्न आत्मा होने वाली है। यही आत्मा सुप्रसीदति, तो हमें कहना है चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, आप भगवान के नाम का उच्चारण करो और सुखी या आनंद लुटो, प्रातःकाल में उठो और भगवान का नाम लो, सुखी हो जाओ। मुख्य बात तो यही है, लेकिन और भी क्या क्या कह सकते हैं? गीता भागवत को पढ़ो और सुखी हो जाओ, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करो और सुखी हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये भी कृष्ण कहे हैं,
सभी जीवों को करने के लिए करो, वो करो, वो क्या मन मना भगवान का स्मरण करो, रिमेम्बर कृष्णा एंड बी हैप्पी। मद भक्त भगवान के भक्त बनो एंड बी हैप्पी। मध्याजी भगवान की आराधना करो एंड बी हैप्पी। माम नमस्कुरु भगवान को नमस्कार करो एंड बी हैप्पी। और क्या कहोगे? और ये दोनों ब्राह्मणों के लिए कहा है और वो वैष्णव को भी लागू होता ही है। पठन पाठन का पठन पाठन, आप स्वयं गीता भागवत पढ़ो और औरों से पढ़वाओ। रीड बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। गीता का पढ़ो, गीता औरों को दो ताकि वे भी पढ़े। यजन याजन, आप यज्ञ करो, यजन याजन पठन पाठन, स्वयं पढ़ो औरों से पढ़वाओ। यज्ञ तुम करो तो ये कलयुग में यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती हिस्सु में ही दशा। बुद्धिमान लोग कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो संकीर्तन यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ औरों से करवाओ। फिर जाओ पब्लिक में, नगर संकीर्तन में जाओ, जैसे चैतन्य महाप्रभु जाते थे, उदिलो अरुणा पूरब भागे, द्विज मणि गौर अमनि जागे, भक्त समूह लैया साथे, गेलो नगर ब्रजे। तो औरों को जोड़ते थे कीर्तन में, स्वयं भी गा रहे हैं और सुना रहे हैं औरों को, तो अमिल औरों को सम्मिलित करो, जोड़ो और मुक्त हो जाओ, भक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। उसी के साथ उसे याद रखो कि आप अलग अलग भूमिका निभा रहे हो, आप आपके किसी के स्वजन हो, किसी के माता पिता हो, या इवन किसी के गुरु हो, तो इन सभी की जिम्मेदारी है। केवल गुरु की ही नहीं, हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे भी अपने स्वजनों को, अपने अपत्यों को, पुत्र पुत्री को मुक्त करना है, उनको मृत्यु से बचाना है, उनको मुक्त करना है, उनको भक्त बनाना है। दिस इज अ प्राइम ड्यूटी। केवल उनके खाने पीने की, ईटिंग स्लीपिंग की व्यवस्था ही नहीं करनी है, वो भी करनी है, पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस, या केवल उनको ओवरसीज एजुकेशन या तथा कथित हायर एजुकेशन दे दिया लेकिन ऐसा एजुकेशन तो और सोसाइटी में दिया ही जाता है। पंछी भी अपने या अपने बच्चों को, बच्चा पंछी, उनको भी कैसे उड़ान भरना है, एक शाखा से दूसरे शाखा, एक वृक्ष से दूसरे, ये भी सिखाते हैं, उनके लिए घोंसले बनाते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, सुंदर भी होते हैं। वैसे आपके शहर का कोई आर्किटेक्ट भी घोंसला नहीं बना सकता, तो वो भी अपने अपने बच्चों के लिए हाउसिंग या अकोमोडेशन की व्यवस्था हर योनि में कर किया जाता है। केवल आप ही माँ बाप बन के आपके बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हो, अब बच्चों के लिए फ्लैट्स बना रहे हो, खरीद रहे हो ताकि वे वहाँ निवास कर सकते हैं।
ये तो सभी योनियों में होता रहता है। और केवल आप ही प्रेम नहीं करते हो अपने बच्चों से, कुतिया कुछ कम प्रेम नहीं करती है। कुतिया का जो अपने जो छोटे कुत्ते या बच्चे होते हैं उनका प्रेम आप मनुष्य या माता पिता हो, आपका भी प्रेम है, तो कुत्ते का कुछ कम प्रेम नहीं है, सुअर का कुछ कम प्रेम नहीं है। यू कैनॉट कम्पीट विद देम कि हम अधिक प्रेम करते हैं। नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। हर योनि में माता मदर, मदर तो केवल मनुष्य योनि में मदर नहीं है, मदर तो हर योनि में मदर है, फादर है, और उनका भी प्रेम बड़ा घनिष्ठ प्रेम होता है। तो उनके सुख सुविधा की व्यवस्था भी वे करते हैं। खादन्ति न मेहन्ति, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंस की सारी व्यवस्था उस वे भी करते रहते हैं। तो हमने उतना ही किया जैसे पशु योनि में पक्षी के योनि में करते हैं। तो यही कहा जा रहा है, न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। क्या आपके गांव में या नगर में और पशु पक्षी भी तो है, वे भी तो खाते हैं खिलाते हैं। मेहन्ति ये लैंगिक क्रिया करते हैं करवाते हैं। तो वेक अप, जीव जागो जीव जागो हे मनुष्य, गोरा चांद बोले। और फिर ये सब करो, भक्ति करो और भक्ति औरों को दे दो, सिखाओ। और ऐसा करने से तुम भी सुखी होंगे इन अ ट्रू सेंस। तुम भी सुखी होंगे मतलब तुम्हारी आत्मा सुखी होगी। तो और किसी योनि में उनको न तो आत्मा का साक्षात्कार है, न तो आत्मा को प्रसन्न करने के कोई उनके साधन या प्रयास होते हैं। और आत्मा इज आउट ऑफ द पिक्चर, जो हमारा असली स्वरूप है, हमारा अस्तित्व तो आत्मा ही है। तो आत्मा को पहचानना है और आत्मा साक्षात्कार करना है, कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, और फिर अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त करना है, भगवत धाम लौटना है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर की बातें चल रही है। तो आप सब अब जो बने हो हरे कृष्ण भक्त, तो आपको प्रचार करना होगा। या यू मे ऑल विश हैप्पी न्यू ईयर आपके रिश्तेदार पड़ोसी दिस वन दैट वन कलीग्स, तो उन सबको थोड़ा अच्छा समय है, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उनसे संपर्क करें। I mean, they are expecting your call, expecting New Year's message. तो इसका फायदा उठाते हुए चारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश ये करने का इस समय है। तो आप सही समझ दीजिए, सही संदेश और सही वैष्णव की तरह ब्राह्मणों की तरह आप उन सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दो, या कोई पार्टी बुलाओ अगर लेट नहीं है तो, और उनके साथ सत्संग करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, फिर खाओ कृष्ण प्रसाद। हरी हरी। ओके, तो इतना ही कह सकते हैं इस ओकेजन पर न्यू ईयर्स।
और वर्तमान में रहिए। वैसे हम अधिकतर भूतकाल में या भविष्यकाल में रहते हैं, न सोचति न कांक्षति, लेकिन भक्तों को वैसे नहीं करना। सोचति भूतकाल के बारे में हम लोग कुछ शोक करते रहते हैं या भविष्य में के लिए कुछ हमारी महत्वाकांक्षा होती है, लैमेंटेशन फॉर द पास्ट एंड हैंकरिंग फॉर द फ्यूचर। हम वर्तमान में रहते ही नहीं है, हम भूतकाल में या भविष्यकाल में रहते हैं। वैसे वर्तमान में रहो, इस क्षण आप क्या कर रहे हो, या इस क्षण आप कृष्ण कॉन्शियस बनो। और थ्रू आउट द डे, हर क्षण, डे एंड नाइट, हमें वर्तमान काल में रहकर अपनी साधना और सेवा में, फिर हम वांछित जो परिवर्तन है, रेवोल्यूशन है, क्रांति है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। अरे अरे, यदि आपने, या उदाहरण दिया जाता है, अपने मध्याह्न के समय यदि उड़ान भरा, हवाई जहाज में आप बैठे और उड़ान भरा, और जिस समय सूर्य बिल्कुल ऊपर है मध्याह्न के समय, आपने उड़ान भरा और आपका विमान यदि लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर जाता रहेगा, तो हर वक्त सूर्य आपके ऊपर ही होगा, क्योंकि पृथ्वी का सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं, ये लगभग क्या 24 या 25,000 किलोमीटर है, आई थिंक सो, किलोमीटर या माइल्स, आई एम नॉट श्योर, मे बी किलोमीटर। तो हमारी स्पीड, हमारे उड़ान की या विमान की स्पीड अगर 1000 पर किलोमीटर है, तो 24 घंटे में हम एक राउंड करेंगे, और सब समय हम जहाँ सूर्य है या सूर्य ऊपर है वही रहेंगे। हम अंधेरा का अनुभव भी नहीं करेंगे, जहाँ सूर्य है वहाँ आप रहोगे। तो उसी प्रकार हम यदि कृष्ण कॉन्शियस है या कृष्ण कॉन्शियस बनने के हमारा हर प्रयास हो रहा है, साधना सेवा हो रही है, तो इसमें हम व्यस्त रहेंगे हर क्षण हर घंटे, तो हम भी फिर कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायर अधिकार। फिर जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रकाश है, तमसो मा ज्योतिर्गमाया, हम अंधेरे में नहीं रहेंगे, ज्योति की ओर कृष्ण के साथ रहेंगे, प्रकाश में रहेंगे, माया में नहीं रहेंगे, माया दूर रहेगी, माया छुएगी भी नहीं। जैसे उस विमान में हम बैठकर सूर्य के साथ जा रहे हैं, तो अंधेरा दिखेगा भी नहीं। इस प्रकार हम कृष्ण के साथ रहेंगे, साधना और सेवा करते हुए हर क्षण वर्तमान में, हर क्षण जागृत अवस्था में जानबूझकर हम, हमारा प्रयास रहेगा कि वर्तमान काल में हम व्यस्त रहेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे। तो ऐसे भी कुछ संकल्प लीजिए नए साल के रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस भी होते हैं, तो एक मोटा रेजोल्यूशन हर क्षण, एट एवरी मोमेंट,
वर्तमान काल में न सोचति न कांक्षति जहा, नो लैमेंटेशन, नो हैंकरिंग। वर्तमान काल में हम व्यस्त रहेंगे, देन यू विल बी आउट ऑफ माया से दूर, एंड देन यू कुड गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से आप मुक्त हो सकते हो। फिर होगा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। ओके, या दिस इज फूड फॉर थॉट। आपके दिमाग या मस्तिष्क के लिए ये खुराक है, ताकि आप अधिक अधिक बुद्धिमान बने। या ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान की ओर से ही हम आपको ऐसे कुछ वचन कह रहे हैं, ताकि भगवान ने दी हुई बुद्धि आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तो ताकि आप बुद्धू नहीं रहोगे। जैसे संसार के लोग बुद्धू होते हैं, जिनका उल्लेख प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी किए हैं, उनकी समझ तो होती है कि नहीं नहीं हमें समय नहीं देना चाहिए अध्यात्म विद्या अर्जन के लिए। नो नो, वी आर नो टाइम, हम व्यस्त है, वी आर बिजी। ये लाइफ तो यावत जीवे सुखम जीवे, जस्ट मौज करो, एंजॉय। ये तो मंत्र बना हुआ है सारे संसार के लिए, तो वी डोंट वांट टू फ्लो विद द वर्ल्ड, वी हैव टू गो अगेंस्ट द करंट। Yeah, okay. Once again, I wish you happy new year. लेकिन बता भी दिया कैसे आप हैप्पी हो सकते हो, तो वही बात है, वही मैसेज संदेश, आप स्प्रेड इट अराउंड, सबको बता दो कैसे हैप्पी होना है, तो लोग अलग अलग, आप भी रेजोल्यूशन ले लो, औरों का भी रेजोल्यूशन। Yeah, stop eating. Yeah, I will not. ये भी हो सकता है, कुछ लोग मैं मांस भक्षण नहीं करूँगा, no meeting, no intoxication, no illicit sex, no gambling, मैं भी नहीं करने वाला, करता ही नहीं मैं, और करूँगा भी नहीं मैं, औरों को कहूँगा मैं, आप भी ऐसा करो। Anyway, the main of chanting of Hare Krishna hai, or studying books hai, or honoring prasadam hai. I think these are bade bade items hai. Aap bhi karte raho is samband mein, aur bhi क्वांटिटी और क्वालिटी में सुधार हो, ऐसे कुछ रेजोल्यूशन लो। ईटिंग की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मैं अधिक खाऊंगा नहीं, मैं हम लोग अधिक तो खाते ही रहते हैं, तो मैं कैसे कम खाऊंगा। या युक्त आहार विहार अश द बैलेंस। या तो मैराथन चल ही रहा है, कैसे ग्रंथ वितरण को बढ़ाऊंगा। मैंने लिया हुआ कोटा पूरा हुआ है कि नहीं, तो उसको पूरा करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार के भी अब इमीडिएट रेजोल्यूशंस भी है अगले 2 सप्ताह के लिए।
ओके, और प्रेमानंदे हरी हरी बोल।